उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बता दें कि अयोध्या, मथुरा और काशी के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए के निवेश परियोजनाओं शामिल है। वहीं प्रदेश के अन्य धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों के विकास का खाका तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राशिद अलवी कार्यक्रम स्थल पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर पहुंचे। आज उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जिस तरह से मनाया जा रहा है आज, जो कि त्रिदिवसीय है, और आज का पहला दिन है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरी व्यवस्था संपूर्ण रूप से पूर्ण हो चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था भी लगाई गई है, और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का जो मैप है, जहाँ जहाँ जिस तरह से होने वाला है, जिस तरह से वो एरिया दर्शाया गया है, गोल्ड एरिया, और जिस तरह से अगर बात करें तो ग्राउंड सेरेमनी में जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वो लगातार, जिस तरह से लगातार अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में रोज़गार के बयार बहेंगे और रोज़गार लगातार यहाँ पे बढ़ता नज़र आ रहा है, और जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं वो एक देखने लायक है, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पे काम कर रहे हैं और लगातार चर्चा भी कर रहे थे। जो पिछली सरकार थी उसको देखते हुए जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक जो रोज़गार की व्यवस्थाएँ हैं वो प्रॉपर आगे चलती नज़र आ रही हैं। जिस तरह से यहाँ पर इंडस्ट्री बैठने जा रही हैं, पहले नोएडा और गाज़ियाबाद की ही बात की जाती थी, मगर अब उत्तर प्रदेश में लखनऊ, चंदौली और सोनभद्र में भी ये इंडस्ट्री एरिया और इसे डेवलप करने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं राशिद अलवी, लखनऊ।